I don't know. Yeah. Thank you, congratulations. Yet another hit song made for this single. Aapka pyar jo gaaniyon ke liye wo hame nazar aa raha hai. First of course, that's been gratified. What would you like to say to King Center? एक गाने के करदा धरदा तो यही है, इन्होंने ही गाया है, इन्होंने ही म्यूज़िक किया है, लिखा भी है इन्होंने, और आई थिंक इज़ वेरी टैलेंटेड, और गाने में पीपल ही यूज़ किया है ना, तो आई थिंक वी हैड टू हैव हिम कार इन द पीपल. कैसा रहा यू नो दिस होल प्रोजेक्ट टुगेदर हैविंग एंड यू नो वेरी गुड एक्सपीरियंस आया है. जितने जी फर्स्ट वी हर्ड द सॉन्ग वी सांग था ठीक है, बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया था. And the song was so good, the beats were so catchy, he sung it so well. So, you know, we thought we'd go grand on the video, and Bhavin is, you know, we have such a close association over so many songs and some of them. So, super hits. So, like, yaar, ye gaane mein to Bhavin apna, you know, let's do something different. Humne aisa gaana kabhi saath kiya nahi tha. Chintan ji also suggested that, you know, Rajesh ji ki hame aisa kuch karna chahiye, let's have Bhavin and Mood, and you know, Megha was the perfect choice for the song because she performed so well, she moved so well, she is, you know, it was a time there, this time she is also, you know, as a debutant singing the song also with Hrithik. So, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा combination बना है दोनों का, और उनका debut as a singer भी हो रहा है, तो बोला, why not, you know, have her also, and we wanted Hrithik also to come, take busy day, and हमारे Bhavin ने अकेले कर दिया था. आज बहुत खुशी हो रही है कि रामजी बाजी ने भी एक तरह कुछ किया एंड भावे भाई ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, मेघा ने गाया भी है मेरे साथ और बहुत मज़ा आया करते हुए, मेघा को गवाया भी है गाना. बहुत अमेजिंग रहा और मैं ही चाहता हूँ कि ये गाने पे सब लोग मिलकर रील्स बनाएं और इस गाने को और टॉप करो. मुझे काफ़ी मज़ा आया शूट करके और बहुत ही अच्छी टीम है, मतलब काफ़ी मज़ा आया और मैंने सोचा नहीं था कि मैं मतलब गाना तो करूँगी सोचा ही था लेकिन सुबह गाऊँगी ये नहीं सोचा था. तो हम सब के लिए भी सरप्राइज है कि ये गाती है. तो काफ़ी मज़ा आया और ऋतिक ने भी काफ़ी अच्छा गाया. हम दोनों ने मतलब जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो इन्होंने मतलब मुझे काफ़ी चीज़ें बताई कि अच्छा ऐसे गाओ ऐसे गाओ ऐसे गाओ, लेकिन काफ़ी मज़ा आया शूट करते हुए काफ़ी अच्छा. नेक्स्ट टाइम उसे पूरा गाना भी गवाना. एक्चुअली मैं तो पहले थोड़ा डर रही थी कि पता नहीं क्या फीडबैक होगा और कैसा होगा गाना, आवाज़ अच्छी लगेगी कि नहीं, बट अच्छा लग रहा है. हाँ अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है राइट. और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इस गाने पे जितना हो सके रील्स बनाओ और जितना हो सके सब जगह शेयर करो ये गाना, मतलब यू नो ट्रेंडिंग जाना चाहिए. आप सब मिलकर काफ़ी सपोर्ट करें इस सॉन्ग को. और आपकी मम्मी ने भी बताया कि आपकी कंट्री रिलीजन श्रीलंका है. श्रीलंका से हो? नहीं नहीं अंडमान कभी सोचा नहीं था कि ऐसे मुंबई आके मैं यहाँ पे लेकिन बहुत ही अच्छा हमारा जर्नी रहा है. मेरी मॉम ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है बचपन से, मतलब मैं बचपन से जब 2 साल की उम्र जब मेरी थी तब से मैंने डांसिंग क्लासिकल डांस और ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दिया था और काफ़ी शोज वगैरह, मतलब मैं बचपन से यू नो स्कूल में भी काफ़ी फेमस थी, प्रिंसिपल भी मुझे लाइक ओ बेटा. तो स्टार्टिंग से मम्मी मतलब का तो रोजा बन गया, बहुत सपोर्टिव है, बहुत सारे हुए हुए तो इतना मज़ा आया मेरे सर, इट्स वेरी सपोर्टिव. आई थिंक जब ऐसी माए हमारे जैसी ऐसी सुपर मॉम्स जिनको देखते हैं ना उन्हीं के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं. एक माँ का सपोर्ट अगर ऐसा मिला ना तो बच्चा ये पूरी जान लगा देती है इस बात से आपको. हाँ हम कुछ आर्टिस्ट हैं जिनकी मम्मी है ना बहुत सपोर्ट करती है, ऐसी एक इनकी मम्मी है, शी इज वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव.
देखो बीपर तो मैंने कहा नहीं, वहाँ से मैं बी एमडब्ल्यू टू फैन हूँ, मैं कुछ भी लूँ चाहता हूँ। वाह, ये ओपन वाली चलाते हमने मैं लेकिन बी एम तो बी एम है और उस पर रिद्धि मैंने गाने बना डाला और बाजी का नाम देखो बहुत कम देखने उस पर मैं बिलीव करता हूँ, बहुत कम लोग सर काम किया मैंने और बाजी ने हमें लॉन्च किया ना, बाजी ने बोला मैंने कोई मना ही नहीं किया and then it happened to be this great. This is very youthful, very young, very colorful life. एक तो मुझे नचवा दिया। नहीं बढ़िया जी, perform so well, आप सब बोल रहे हैं, मैं भी काफी अच्छा किया। He's never like you know performed on a rap and all, so he's done it so well. मतलब that's why that attitude. पाजी मुझे ना उड़ाते हैं अपने गानों में, हर गाने इसमें नचाया था मैं, अरे पाजी मजा आ गया सर। एंड देन सर ने जब बिलीव किया मेगा, शी ऑलवेज शी इज बीन सच अ ग्रेट आर्टिस्ट ऑन से यार, मतलब हमें एक दिन में पूरा गाना कंप्लीट करना था, इतना सारा लोकेशन हिल्स में नाची है बच्ची नहीं दे सर, तो दे परफॉर्म सो वेल सो वी वर एबल टू यू नो गेट द सॉन्ग ऑफ इन वन डे, मतलब इतनी सारी वेरिएशन की एंड hats off to both of them, really perform very very well. कलरफुल पूरा जतिन सर का आइडिया था पूरा, ऐसा कुछ बोला आप बोलने के लिए बेचते आते नहीं है एक्चुअली रेंट में मैंने हील्स पहना था, वो भी पेंसिल तो बार डांस जब मैं कर रही थी तो बार बार मैं मतलब वो नीचे ही खिस रहा था। अब हुआ ये कि जब हम डांस कर रहे थे, डांस करते करते मेरे जो पेंसिल हील्स के और हम डांस करे करते करते जब मेरा आगे था मतलब मैं लिटरली ऐसा हुई मुझे ओह शिट, और मैं जूते मारते गिरते गिरते ऐसे माइकल जैक्सन की तरह मेरे जूते इसका अलग बिल मैं भेजने वाला था, लेकिन इतनी प्यारी बच्ची है। गाना एक बार सुनेंगे हम दोनों ने, ये सिंगल सॉन्ग आई थिंक एवरीबॉडी आई थिंक डेफिनेटली लाइक टू सी हाउ इट्स टुगेदर। ये हां पहले सिखा दे रहा हूं बस, ताकि वापस जो रील भी बनाने वापस एक आ जाए मेरा लगाया शायद भी ना धूप में घूमिया तू करनी हो जुटान गोरी नीमा भी मर लेकर आया तनु लैन गोरिए, नीमा भी मर लेकर आया तनु लैन गोरिए, नी तेरे करके मैं भी मर लाया प्यार में तेरे ना किसी से घबराया, तुझ में हकीकत दिखती मुझे सारी बाकी दुनिया मुझे लगे मोह माया, जाना मुझे कुछ भी समझ नहीं आया बाहर से तेरे कोई बच क्यों नहीं पाया, मैं आर्टिस्ट मैंने लिखा जब तुझे पे देख कैसे मैं सारी दुनिया पे छाया तेनु मिले नी दिल पे चन गोरी रेड ड्रेस तेरे उठ पहन गोरी आए दुनिया दीवानी हो गई तेरी फैन गोरी नी मैं भी मर लेकर आया तेनु लैंड गोरी।